आज मैं ट्विटर पे गया और ट्विटर पे जाके मैंने एक हैशटैग ट्रेंड होता हुआ देखा जो कि था रानू मंडल के लिए। वो ट्रेंड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी उनकी जो लेटेस्ट वीडियो आई है जिसके अंदर वो कह रही है कि डोंट टच मी, आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ। हमें क्या बचपन से ही बता दिया जाता है, हमें बचपन से ही हमारी ग्रूमिंग चालू रहती है कि किसी से ऐसे बात नहीं करनी, किसी से वैसे बात नहीं करनी, इस टाइम पे ये बोलना है, इस टाइम पे वो बोलना है, तो कॉन्स्टेंटली हमारी ग्रूमिंग चलती रहती है। लेकिन वो लेडी एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं देखा और एक दिन अचानक उनको बोल दिया जाता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको हम स्टार बनाएंगे, आपको हम रियलिटी टीवी पर लाएंगे, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं था ग्रूम करने के लिए कि मैं कब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, और फिर वो वीडियो आ जाता है जिसमें वो कहती है कि डोंट टच मी। उनकी वो वीडियो को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उनको पता ही नहीं है, शी इज नॉट अवेयर कि अप्रिसिएशन को कैसे रिप्लाई देना है, अप्रिसिएशन का रिप्लाई कैसे देना है। क्योंकि हमें पता है, हम सबको पता है, हम इतने पढ़े लिखे कि हमें पता है कि शी इज नॉट लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। रेडिट इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत तरह के मीम्स बनते हैं, मीम्स डार्क मीम्स भी होते हैं, थोड़े इंसल्ट मीम्स भी होते हैं, थोड़े बिलो द बेल्ट मीम्स भी होते हैं, लेकिन रानू मंडल वाले मीम्स इतने आउट ऑफ हैंड जा चुके हैं कि अब एक बेसिक ह्यूमन एथिक भी भूल गए लोग। सो मेनी मीम्स ऑन ट्विटर वेयर दे आर फोटोशॉपिंग अ पिक्चर विद अ पॉर्न स्टार, उनको किसी के साथ बहुत डिग्रेडिंग पोजिशन में दिखा रहे। शी इज अ लेडी, हम भूल रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें पता चलना चाहिए कि बेसिक ह्यूमन सेंस क्या होता है। आप मीम बना रहे हो ठीक है, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो ठीक है, लेकिन उस हद तक गिर जाना, इससे पता लगता है कि आप किसी की लाचारी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो, क्योंकि सब उठा रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इग्नोर करो, मूव ऑन।